हेलो स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी बुक का लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 4.6 हम डिस्कस कर रहे हैं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? ओके, तो हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। मास दे रखा है बच्चों 3 किलोग्राम का। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 3.5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें दे रखा है 25 सेकेंड। और ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, एंड जिस डायरेक्शन में इनिशियली बॉडी जा रही थी उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। ओके, तो पहले हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस et लगा देते, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3.5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 है, और प्लस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, टाइम जो था 25 सेकेंड है। तो 25a इज इक्वल्स टू 3.5 माइनस के 2 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो, और यहाँ से बचेगा 1.5 एक्सेलरेशन, और 25 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ से, तो एक्सेलरेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन आया। अब अगर मैं यहाँ पर फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना गिवन है बॉडी का 3 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है 0.06, कैलकुलेट करेंगे तो 0.18 न्यूटन का हमारे पास फोर्स आ गया। ठीक है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन यानी ये मोशन ऑफ द बॉडी रिमेंस अनचेंज, तो डायरेक्शन क्या होगी? मोशन के अलोंग ही डायरेक्शन हो जाएगी।